गाइस, अगर आपके पास फेसबुक पेज है तो उससे आप मोनेटाइज करके पैसे कमा सकते हैं। काफी सारे लोग जो है पैसे कमा रहे हैं फेसबुक पेज को मोनेटाइज करके। फेसबुक एक प्रोफाइल होता है उसे नहीं, फेसबुक पेज जो रहता है उसे आप मोनेटाइज कर सकते हैं। जिस तरह से यूट्यूब में जो है एड्स आते हैं मोनेटाइज करके पैसे कमाया जाता है यूट्यूब से, उसी तरह फेसबुक पेज से भी आप पैसे कमा सकते हैं। इसमें कुछ क्राइटेरिया है, कुछ रूल है, कुछ रेगुलेशन है, वो अगर सही रहा उसके बाद ही आप अपने फेसबुक पेज को मोनेटाइज करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या सिस्टम है पूरा जो है चीज को हम जो है इस वीडियो पे कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को जरूर देखना लास्ट तक अगर आपके पास फेसबुक पेज है, और फेसबुक से भी अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं फेसबुक पेज को मोनिटाइज करके। कैसे मोनिटाइज करना होगा, क्या उसका क्राइटेरिया है, क्या रूल रेगुलेशन है, पूरा चीज मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट चीज आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास फेसबुक पेज है उसी चीज का पूरा सेटिंग वेटिंग पूरा आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। वीडियो पे बने रहिए, लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट आप जरूर करना। चलिए यहाँ पे सीख लेते हैं कि फेसबुक पेज को हम मोनिटाइज कैसे कर सकते हैं, क्या उसका सही तरीका है। देखो, इसे देखने के लिए आपको क्या करना है कि आपका जो डिवाइस में क्रोम ब्राउजर है, बस क्रोम ब्राउजर पे आना है, इसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन आप जैसे ही करोगे यहाँ पे आना है इस तरह से, आपको सर्च बार में आपको सर्च कर लेना है यहाँ पे फेसबुक क्रिएटेड स्टूडियो, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह करके आपको सर्च कर लेना है। ये जो होता है जिस तरह से यूट्यूब स्टूडियो रहता है उसी तरह ये भी रहता है, तो ये क्रोम ब्राउजर से ओपन करना होगा होता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे पूरा फेसबुक का डाटा आपको यहाँ पे शो अप कर देगा। तो इस तरह से आओगे यहाँ पे आओगे क्रिएटेड स्टूडियो पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आओगे इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, बस क्रोम ब्राउजर पे आपको क्लिक करके इसे आपको जो है डेस्कटॉप साइड पे ओपन कर लेना है। यहाँ पे थ्री डॉट यहाँ पे क्लिक करोगे तो थ्री डॉट पे आपको क्लिक कर लेना है, और इस तरह से आपको डेस्कटॉप साइड पे यहाँ पे आपको फेसबुक पेज जो है वो आपको यहाँ पे शो अप हो जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे लाइव प्रूफ के साथ देख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आओगे, जैसे यहाँ पे इस तरह से आओगे तो यहाँ पे साइड में आपको कुछ जो है आपका जो है डिवाइस का पूरा जो है यहाँ पे फेसबुक पेज का पूरा यहाँ पे एनालिटिक्स आपको यहाँ पे शो अप हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मोनिटाइज वाला सेक्शन है इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे इस तरह से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, मेरा इंस्टाग्राम सेट किया हुआ है तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पे पूरा डाटा जो यहाँ पे देखने को मिलेंगे, कौन सा वीडियो मेरा मोनिटाइज यहाँ पे अवेलेबल है कौन सा नहीं है वो भी मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ। सो पहले आप इस चीज को यहाँ पे अच्छे से समझ लो। आपके फेसबुक पेज में मेन चीज आपको यहाँ पे दिख लेना, यहाँ पे इस तरह से टिक लगा हुआ आ रहा है या फिर कुछ और ऑप्शन आ रहा है। ओके, जरूर दिख लेना और कमेंट करके जरूर बताना। नो मोनेटाइजेशन वॉल्यूशन, यानी ये इस तरह से अगर टिक लगा हुआ रहे तो आपके फेसबुक में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे मोनिटाइज के लिए अपील कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ क्राइटेरिया रहता है वो आपको पूरा करना होता है। वो क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, 10,000 फॉलोवर आपको अपने फेसबुक पेज में जो है चाहिए ही होता है, ये कंपल्सरी है। एंड 6 लाख मिनट वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। एंड कितने डेज में, 60 डेज में, यहाँ पे आपको यहाँ पे शो अप हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं 60 डेज में 6 लाख मिनट एंड 10,000 फॉलोअर्स एंड 5 एक्टिव वीडियो। ओके, ये अगर चीज कंप्लीट है, वीडियो भी कितना होना चाहिए, 3 मिनट से ज्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 मिनट से आपका जो वीडियो जो अपलोड करते हैं वो कम है और वो मोनिटाइज के लिए काउंट हो जाएगा, नहीं। अगर 3 मिनट से कम आपका वीडियो अपलोडेड है तो वो आपका वीडियो मोनिटाइज के लिए यहाँ पे जो उसका वॉच टाइम जो है वो काउंट नहीं होगा। यहाँ पे पूरा क्लियर से आपको यहाँ पे फेसबुक में आपको वो चीज बता रहा होता है। ओके, यहाँ पे इसके बाद आपको क्या करना है, मेन चीज जो रहता है ये चीज रहता है 10,000 फॉलोअर एंड आपको जो है अपने फेसबुक पेज में 6 लाख मिनट एंड 5 एक्टिव वीडियोस, ये 60 डेज के अंदर अंदर आपके फेसबुक पेज में कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये कंप्लीट हो गया है तो आपके जो है यहाँ पे उसके बाद आप अपने फेसबुक पेज को मोनेटाइज के लिए अपील कर सकते हैं। एंड एक चीज आपको और भी यहाँ पे दिखा देता हूँ, एनालिटिक्स में आपको मेरा जो फेसबुक जो वीडियो है उसका आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, और मैं यहाँ पे मेरा फेसबुक का पेज का जो वीडियो है पूरा वीडियो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ओके, एंड इससे आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि कौन सा वीडियो आपको अपलोड करना है, कौन सा जो है वीडियो मोनिटाइज के लिए वेरीफाइड है, सही है और कौन सा नहीं है, वो चीज आपको यहाँ पे शो ऑफ हो जाएगा। अभी देख सकते हैं ये सब मेरा वीडियो है, और यहाँ पे आपको रेड कलर करके मोनिटाइज का सेक्शन बटन जो आपको यहाँ पे देखने को आ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज। ओके, ये जो है रेड वाला करके मोनिटाइज वाला सेक्शन है। सो इस तरह से मैं स्लाइड करूंगा ये कौन सा मेरा वीडियो है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है मेरा जो है डायलॉग वाला वीडियो है।
ओके okay? यानी अगर आप जो है कोई ऐसा जो है साउंड यूज करते हैं, यानी दूसरे का है, यानी आप जो है दूसरे का साउंड जो है आप यूज नहीं कर सकते, जैसे कि कोई गाना वाना हो गया, दूसरा मूवी का हो गया, ये चीज आपको जो है यूज नहीं करना है। अगर आप इसे यूज करोगे तो आपको जो है यहाँ पे जो वीडियो पे कुछ इस टाइप का आपको साइन जो है देखने को मिल जाएगा, यानी रेड कलर करके अगर देखने को मिला, समझ लो वो मोनिटाइज के लिए वो जो है काउंट नहीं होगा, वो वीडियो आपका मोनिटाइज ही नहीं होगा, उससे आपको एक भी पैसा नहीं ले सकते हैं। सो आपको अपना खुद का कंटेंट रखना होगा, जो भी आप बताना चाहते हैं, जिस तरह से YouTube पे काम करना होता है उसी तरह से यहाँ पे भी काम करना होता है। सो इस तरह से आप जो है अपने Facebook पेज को जो है मोनिटाइज कर सकते हैं, ये सारा चीज कंप्लीट करने के बाद। अगर ये सारा चीज कंप्लीट है सो उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट में आओगे, जिस तरह से मैंने आपको दिखाया वहीं पे आपको मोनिटाइज के लिए अपील करने का ऑप्शन आएगा, वहां पे जैसे ही क्लिक करोगे आप मोनिटाइज के लिए अपील कर सकते हैं। लेकिन मोनिटाइज तभी आप कर सकते हैं, वो क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए एंड आपका खुद का कंटेंट होना चाहिए। अगर आपका खुद का कंटेंट नहीं है, वो चीज कंप्लीट है, सो आप अगर अपील कर दोगे तो आपका चैनल मोनिटाइज नहीं होगा। ओके okay? आपका फेसबुक चैनल जो है, फेसबुक अकाउंट जो है मोनिटाइज ही नहीं होगा। सो आपका खुद का कंटेंट रहना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देख लो ये जितना सारा है ये सब मेरा मोनिटाइज नहीं होगा। सो गाइस आई होप कि वीडियो काफी हेल्पफुल लगा हो। सो आपका ये कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है कमेंट करके जरूर बताना, जो क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे बताया। सो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है।